नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नादवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज, पावर हाउस। यहां पर रूपनगर पुलिया के पास पावर हाउस के पास में आप देख रहे हैं कि यहां लाइट का खंभा, जिस पर 15 दिनों से यहां पर ये पेड़ जो है खुले तारों, नंगे तारों पर यहाँ झूम रहा है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन बार बार यहाँ पर अवगत कराने पर भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हमारे साथ यहाँ कॉलोनी वासी गोपाल जी सोनी बने हैं। जी गोपाल जी, यहाँ ये समस्या कब से बनी हुई है? ये 15 दिनों से पावर हाउस में कंटिन्यू कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। ये बोलते हैं अभी आएंगे, दोपहर को आएंगे, शाम को आएंगे, जबकि 4 घंटे 1 बजे तक का सिट डाउन लिया हुआ था गए संडे को। उसके बावजूद हम लोगों ने 10 दफे जाके मोहल्ले वालों ने कहा, उसके बावजूद किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। इसके अलावा ये जो तार लटके हुए हैं जी, ये इनकी केबलें अलग से फोर लाइन डलवाई हुई है मेरी उस टाइम पे 15 साल पहले जी जी जी, इस पोल से इस डीपी से उस डीपी तक, उसके बावजूद ये नगर ने पावर हाउस वाले ये तार हटाना नहीं चाहते हैं। इनको बार बार बोल रहे हैं कि भाई हमारे पेड़ों से हम लोगों को ये शाम को सुबह शाम इवनिंग वॉक करने वाले आते हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग बाग यहाँ पानी डालते हैं, पानी पिलाते हैं पेड़ों को, उनको करंट का डर रहता है। उनके बावजूद ये सुनाई किसी प्रकार की इनके कानों में जून तक नहीं रेंग रही है। यहाँ आपने देखा कि बार बार पावर हाउस कर्मचारियों को और विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया कि कभी भी हादसे का सबब बनने वाला ये खंभा। देख रहे हैं आप यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पेड़ नंगे तारों पर झूल रहा है, लेकिन जू तक नहीं रेंग रही है। यहाँ के अधिकारियों पर सिर्फ और सिर्फ आकर ऑफिस में बैठना, तनख्वाह लेना, क्या यही काम रह गया है सरकारी कर्मचारियों का, या फिर जनता की भी सुनेंगे? तो देखते हैं कि किस तरीके से या तो इसका निजात होता है या फिर लोग इस हादसे का शिकार होकर मरते हैं। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज़, मैं ओम प्रकाश नाजवानी।